हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुजरात और हरियाणा की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस। आज गुजरात और हरियाणा की फ्रेंचाइजी से मुलाकात होगी आप सभी लोगों की और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से टीम 360 का वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में जब कंपनी में कॉन्टैक्ट किया, वेबिनार अटेंड किए ऑनलाइन और उसके बाद में जब वो जयपुर आके 2 दिन का ट्रेनिंग कम्प्लीट कर चुके हैं तो आज वो किस तरह से चीज़ों को समझ पाए हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं सबसे पहले नरेंद्र जी से जो गुजरात से यहाँ पे आए हुए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर का। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। मेरा नाम नरेंद्र कटारिया है और मैं गुजरात से आया हूँ। मैं एक दिन यूट्यूब पर बिजनेस सर्च कर रहा था, मेरे पास जॉब वॉब कोई था नहीं, तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे एक वीडियो आया, उसमें विपुल सर और विनीत सर दोनों थे, तो उसने लिखा था सालाना 36 लाख कमाना है तो कांटेक्ट करिए। तो उसी वो वीडियो के मुझे इंटरेस्ट आया देखने को, तो मैंने एक वीडियो के बाद अनेक वीडियो देखता गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही काम करना है क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य बन सकता है। DMIT करके उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ जान सकते हैं और उसके हिसाब से हम समाज सेवा के रूप में भी काम कर सकते हैं और एक दुनिया को और अपने देश का भविष्य अच्छी तरह बना सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। अब मुलाकात करते हैं अंकित जी से जो कि हरियाणा से यहाँ पे आए हुए हैं और इन्होंने हमारे ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करने के बाद में ये डिसीजन लिया कि जयपुर अगर नहीं जा पा रहे तो एक बार के लिए लाइव सेशन अटेंड कर लेते हैं। और टीम 360 का वेबिनार इतना ज़बरदस्त था कि इनकी सारी चीज़ें क्लियर हुई और इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करके ही वो डिसीजन ले लिया। अब ये जब यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो चलिए जानते हैं अंकित जी का क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैम, आपने बोलने का मेरे को मौका दिया। टीम 360 के साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा और 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा था, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। जो पहले चीज़ वीडियो देख के क्लियर नहीं हुई थी वो यहाँ आने के बाद सारे डाउट क्लियर हो चुके थे हमारे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं कंपनी के सभी टीम मेंबर से और जानते हैं कि आज की फ्रेंचाइजियों को वो अपना अपना क्या मैसेज शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी की मुलाकात करते हैं कंपनी की MD मैम अंजलि जी से और जानते हैं कि आज वो हमारी फ्रेंचाइजी को क्या अपना मैसेज शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजीज को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूँगी। 2 दिन का सेशन इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अटेंड किया। अब बात करते हैं मैसेज की, तो मैसेज के रूप में मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का इंस्ट्रूमेंट तो आप सभी लोगों ने ले लिया लेकिन कई बार इंस्ट्रूमेंट लेने से ही हमारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो यहाँ से जाने के बाद में अपना माइंडसेट चेंज करें, न्यू माइंडसेट, न्यू स्किल एंड न्यू विजन के साथ में अपने इस काम की शुरुआत करें। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आता है तो टीम 360 का पूरा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा के लिए रहेगा। टीम 360 में आप कॉल करके अपनी जो है कंप्लेन वगैरह जो भी कोई क्वेरी आपको होती है तो उसका सॉल्यूशन आप ले। थैंक यू सो मच, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू अंजू मैम। हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आज जो फ्रेंचाइजी आई हुई है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। आप यहाँ आए, आपने फ्रेंचाइजी ली और अब अपने प्लेस पे जाके आप काम शुरू करने वाले हैं, आगे जाके आप और लोगों को इससे लाभान्वित करने जाने वाले हैं। परंतु इससे पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होंगे और परफेक्ट होंगे तब आप आगे वाले को, सामने वाले को, अपने स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे से ये चीज़ सिखा पाएंगे। इसलिए आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप टीम 360 हमेशा टीम 360 के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर किया। बट अब आप सभी की मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ कंपनी में मेंबर मैनेजिंग कमेटी से, मिस्टर विनीत शर्मा सर का, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारी फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज शेयर करें। थैंक यू अंजू मैडम, और
आज हमारे साथ में जो फ्रेंचाइजी मौजूद है गुजरात से और हरियाणा से, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस इनिशिएट किया है, इस कदम को उठाया है, और इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी कोरोना जैसी सिचुएशन है नहीं। आप भी निरंतर हमारे वीडियोस देखते जा रहे हैं, पहले जैसा रूटीन चल रहा था वैसा ही रूटीन लगभग जो है आने वाला है, आ ही गया है, चल रहा है, लोग आ रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने एरिया में काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी का ख्याल अभी भी मन में ऐसा है कि स्कूल ओपन नहीं हुई है, तो लगभग सब जगह स्कूलें ओपन होने जा रही है, नहीं तो मार्च में नए सेशन से ओपन हो ही जाएगी, और होप फॉर द बेस्ट कि स्कूलें अब दोबारा से बंद शायद ना भी हो, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल में करना चाहें तो स्कूल तो अभी निकट भविष्य में स्टार्ट हो ही जाएगी, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है जो आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ इतनी फ्रेंचाइजी जो लोग मौजूद हैं उन्हें मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि तेज़ी से इस काम को आगे फैलाएं। जहां तक की बात है मैसेज की, तो मैसेज में एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा, अक्सर जो है आप लोग हमें कॉल करते हैं वीडियो को देख के, और उसके बाद अब हमसे पूछते हैं कि अब दुनिया में बहुत जगहों पर DMIT का सॉफ्टवेयर मिल रहा है या दूसरे कंसेप्ट भी हैं, सब जगह सिखाए जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ की तरफ आपकी, एक बात की तरफ आपका जो है, एक तथ्य जो है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जानते सारे लोग हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं है, सबको सारी चीज़ की जानकारी है। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, उस पर लिखा हुआ है इंजुरियस टू हेल्थ, पियेंगे तो आपके फेफड़े और लीवर और भगवान भरोसे हो जाएंगे, मतलब आपको जो है ना शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। डब्बे के ऊपर गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि सिगरेट जो है हानिकारक है, एक अजीब से आदमी का चेहरा बनाया हुआ है घुटके के ऊपर, सबको पता है एक हानिकारक है लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं, लेकिन जानकारी सबको है, सीक्रेट कुछ नहीं है। एक मोटा आदमी है उसको क्या ये नहीं पता कि उसे पतला कैसे होना है, सबको पता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, उसमें कोई सीक्रेट है? कोई सीक्रेट नहीं है। उसको भी पता है कि मुझे पतला होने के लिए, मुझे वजन कम करने के लिए मुझे एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन करते हैं या नहीं करते वो उनकी अड्डे के, लेकिन पता सबको है, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट नहीं है। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, सूरज के दर्शन करने चाहिए, हेल्दी रहता है इंसान, सुबह उठना चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं है, ये भी सबको पता है। करते कितने ये अलग मैटर है, लेकिन जानकारी सबको, इसमें भी सीक्रेट नहीं है कोई। इवन मैं नोटिस करता हूँ, एक कुत्ता होता है अगर वो गली में से किसी के घर से रोटी चुरा के भागता है ना, तो उस जिस जगह से उसने रोटी चुराई है उस जगह पे वो रोटी नहीं खाता, वो भाग के किसी दूसरी गली में जाके वहाँ रोटी खाएगा। क्यों? उसे भी पता है सही क्या गलत क्या, उसे पता है कि अगर मैंने वहीं रोटी खाई तो हो सकता है कि पत्थर भी पड़ेंगे डंडे पड़ सकते हैं, तो कहीं कोने में जाके खाता है। लेकिन वहीं दूसरा एक पालतू कुत्ता है, पालतू पेट है, अगर उसको आप देंगे तो वहीं वो पूंछ हिलाने लगेगा और वहीं खा लेगा, क्योंकि उसे पता है ईमानदारी का काम है, एक जगह बैठ के खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गली वाला कुत्ता भागता है कहीं ना कहीं, क्यों? उसके कुत्ते को भी ये पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो आपको सारी चीज की जानकारी है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन मैटर है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, दूसरे कोर्सेज मिलेंगे, आप सारी चीजें सब जगह से देख सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट चलेगा कहाँ? स्कूल्स में या कोई कोचिंग सेंटर पे, कंपटीशन एग्जाम के कोचिंग सेंटर पे, ऑनलाइन चलेगा, सेमिनार के जरिए चलेगा, तो वहां क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन कौन सिखाएगा? टीम 360। बाकी आप सारी जगहों पे आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है तो आप भी जानकारी में, आपको जानकारी है ही ना, हमारे से ज्यादा जानते हैं आप, पूरा सर्च करने के बाद आप हमें कॉल करते हैं, तो सही और गलत आपको पता है। लेकिन एक चीज जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और वो ये है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आप लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं फिर क्या करें उसका? या तो लेके बैठ जाएं या फिर किसी जगह पे जाके सेमिनार करें। सेमिनार आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, जिस भी मदर कंपनी ने आपको ये चीज दी है उसने इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं किया, वो आपको नहीं सिखा पा रहे, तो आप कहां आगे डिलीवर करेंगे? तो चीज आती है इम्प्लीमेंटेशन पे। और उससे पहले, मेरे से पहले जो पूर्णबोध जी बता रहे थे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करनी है वो सारी चीजें, लेकिन करने के बाद काम करेंगे। अक्सर जो है DD सर भी कहते हैं कि काम करने से होगा करो, और कर डालने का बाबा रामदेव भी कहते हैं काम करने से होगा, करना मतलब इम्प्लीमेंट करना। तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे कब? जब यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। और कहाँ करेंगे? तो जहाँ बच्चे बहुत सारे हैं। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। स्कूल में कौन करता है? केवल टीम 360। कितनी स्कूल है? 350 से ज़्यादा है इंडिया, पूरे विश्व में अभी तक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस काम को स्कूल्स में करती हो। यानी इम्प्लीमेंटेशन पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाली कंपनी यही है, इसीलिए 1300 के आसपास वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 30 वीडियो,
20 वीडियो खत्म कहानी, जिनको 8-8, 9-9 साल हो गए वो भी 10 वीडियो 20 वीडियो लेकर बैठे हैं। इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन में खुद में भी कमी है और जो उनसे सीख रहा है वो भी आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना है। लास्ट चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, निकट भविष्य में 27 तारीख को गुजरात में दाहोद एक जगह है, वहां पे हम लोगों का सेमिनार होने वाला है 27 तारीख को सुबह 10 बजे और दिन में 2 बजे। अगर आप नियर बाय कहीं हैं एमपी महाराष्ट्र गुजरात आसपास कहीं भी फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ 27 तारीख को पहुँच ही रहे हैं, आपको भी वहाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है, या आप हमारे पास आना चाहते हैं वहीं पे दाहोद तो वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप नियर बाय में कहीं हैं तो हम वहाँ से ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं और आप वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपका जयपुर आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, थैंक यू। थैंक यू सो मच विनीत सर, आपने इतनी सारी चीजें क्लियर की। अब आप सभी की मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना एक मैसेज हमारे आज के आई वी फ्रेंचाइजी और साथ साथ आप सभी दर्शकों को भी जो है अपना मैसेज शेयर करें। तो जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत करते हैं। मैं डीडी शर्मा सीईओ टीम 360, सिर्फ दो ही बातें कहूंगा क्योंकि सभी लोगों को अब जाने की जल्दी है। पहली बात तो ये है कि हरियाणा और गुजरात इतनी दूर से ये फ्रेंचाइजीज के लोग पधारे हैं, इनका एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपने किसी बच्चे का एडमिशन कराते हो तो दो बात देखते हो, स्कूल में कहीं भी कराओ पहले तो स्कूल प्रतिष्ठित होनी चाहिए, स्कूल अंग्रेजी मीडियम की हो, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो। दूसरा, पढ़ने के लिए भी कहीं भेजते हो तो बढ़िया से बढ़िया टीचर चाहिए, तो बढ़िया से बढ़िया टीचर बढ़िया से बढ़िया स्कूल अगर DMIT और मिड ग्रेन के मामले में कोई है तो टीम 360 है। और कबीरदास जी ने कहा भी है, जाका गुरु अंधला चेला निरा निरंद, अंधे को अंधा मिला गए काल के फंद। तो ऐसे कोई सीख तोड़ से DMIT सीख लोगे जिन्होंने कभी स्कूल में की नहीं कहीं और की नहीं, तो क्या है कि आप भी उसी तरह से अंधेरे में चले जाओगे और थोड़े दिनों में हताश हो जाओगे। टीम 360 के पास में पूरा अनुभव है, पूरी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है और सपोर्ट हैंड सपोर्ट देती है, ताकि क्या है जहां कहीं भी आपको जरूरत हो तो टीम 360 को जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर हेल्पलाइन की तरह यूज की जाती है, वैसे आप टीम 360 को हेल्पलाइन की तरह यूज करो। जैसे स्कूल में जाइए कोई बात आ जाए तो देन एंड देयर विनीत सर विपुल सर अंजू मैम अंजलि मैम से बात कराइए देन एंड देयर, ताकि क्या है आपके डाउट तो क्लियर हो ही, उस व्यक्ति के भी डाउट क्लियर हो जाए और आपको यूं लगे कि बिल्कुल पीठ के पीछे ही जो है हमारी रक्षा के लिए हमारे सहयोग के लिए टीम 360 खड़ी है। बस अब है अंतिम बात कहनी कि अब देर मत करिए, काम को शुरू कीजिए, विजन आप बना चुके अब कदम दर कदम बढ़ाइए, ताकि क्या है सफलता सुनिश्चित और आपके झोली में आप पड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी टीम मेंबर्स का जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आज की आईवी फ्रेंचाइजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी जो है अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया कि उनका फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग जो है किस तरह का रहा। आप सभी ने इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।